हाय एवरीवन। तो जब से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2024 प्रेजेंट किया गया है, उसके बाद हर दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहता ही है जो कि चर्चा का पार्ट बन जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट में डिस्कशन का पॉइंट चल रहा है वो है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो क्या अब हर किसी पर्सन को इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है यदि वो इंडिया के बाहर किसी फॉरेन विजिट जो है या टूर के लिए जा रहा है, या फिर मान लो वो इंडिया के बाहर परमानेंट सेटल होना चाहता है, या मान लो किसी और भी पर्पज से अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है तो उस केस में भी उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है क्या? तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है और किस केस में आपको लेना मैंडेटरी है। तो ये जो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो बजट 2024 से ही चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ये तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 में एक्टिव है। फिर गवर्नमेंट जो है उसने बजट 2024 में इसमें क्या किया? तो देखो, गवर्नमेंट जो है उसने बजट 2024 जो है उसमें सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 में एक मेजर अमेंडमेंट करके इसका जो स्कोप है उसको वाइड कर दिया, और इसमें गवर्नमेंट जो है उसने ब्लैक मनी एक्ट जो है उसको इंसर्ट किया है। तो अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट में जो मेजर अमेंडमेंट किया गया था उसको काफ़ी लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि अब कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसको ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, और काफ़ी लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाल लिया। तो इसके संबंध में जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अभी लेटेस्ट 20 अगस्त 2024 को ट्वीट किया गया है, और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि किन किन पर्सन है जिनको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। और इसके संबंध में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक प्रेस रिलीज जो है वो भी इशू की गई है, और उस प्रेस रिलीज जो है उसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर आप दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन में फॉल करते हैं तो उस केस में ही आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, अदर केसेस में आपको ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जिसमें आपको ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि मान लो उसके अगेंस्ट में कोई फाइनेंशियल इररेगुलरिटी है जो कि चल रही है, या फिर इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट में उसके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन है जो कि चल रहा है और उस केस में उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना कंपलसरी है, या फिर उसकी कोई इनकम टैक्स जो है उसमें डिमांड रेज हुई है तो उस केस में भी उसका इंडिया में रहना कंपलसरी है। तो उस केस में अगर वो इंडिया के बाहर जाता है तो उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसकी कोई डायरेक्ट टैक्स है उसमें एरियर जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उसको ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पे अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो जाता है, और इसके केस में गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म है जो भी स्पेसिफाइड कर रखे हैं वो भी आपको फिल करने पड़ेंगे। तो आजकल कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जैसे ऑनलाइन गेम है उसमें पैसा हार जाते हैं, या शेयर मार्केट है उसमें कोई बड़ा लॉस लग जाता है, या मान लो किसी बैंक है उससे लोन ले रखा है लेकिन उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। तो फ्यूचर में इस तरह के केसेस ना हो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा सेक्शन 203 सबसेक्शन 1A में ये अमेंडमेंट जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसने एक अमेंडमेंट जो है वो इंसर्ट की है ताकि फ्यूचर में इस तरह के केसेस जो है वो ना हो। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।